ये देखिए इसके पत्तियाँ और पौधा पूरी तरह से सड़ जाता है बिना पानी के। ये जो बड़ी बड़ी थोड़ी मछली हैं वो तड़प रही हैं और जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं वो तो मर चुकी हैं यार। ये पेड़ों पर रहती हैं और ये गिर जाती हैं हवा के साथ किसी के ऊपर तो बहुत काटती हैं ये। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों इस वीडियो का रिकॉर्डिंग में वॉइस क्वालिटी बिल्कुल खराब हो गया था इसलिए मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूं और बताता हूं मैंने इस क्लिप में मैंने क्या बोला है। तो दोस्तों आज हम खेतों में दवाई का स्प्रे करने जा रहे हैं और हमारे खेतों में रोग लगा हुआ है, धान में रोग लगा हुआ है। और आपको बता दूं दोस्तों हमारे यहाँ बहुत दिनों से बारिश नहीं हुआ है, खेतों का पानी बिल्कुल सूख गया है। खेतों में मुश्किल से एक आध बूंद पानी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। फिलहाल दिक्कत ये होगा दोस्तों खेतों में अगर हम स्प्रे करेंगे दवाई का तो इसमें पानी भरना है, तो पानी भरने के लिए तो फिलहाल यहाँ पर ये नहर में पानी चल रहा है उससे हम पानी भर के दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ये नहर दोस्तों सिर्फ दवाई में स्प्रे करने के काम आता है और ये सीधा हमारे खेतों में नहीं जाता क्योंकि इस तरफ जितने भी खेत हैं ये ऊंचाई पर हैं और ये जो नहर है नीचे है, यानी हमारे गांव की जमीन को छोड़ता हुआ ये नहर गुजरा हुआ है। तो ये हमारे गांव का बिल्कुल भी काम नहीं आता ये नहर। नहर में काफी अभी पानी दिख रहा है लेकिन खेतों में पानी बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरह से सूख गया है। अगर जल्दी से जल्दी बारिश ना हुआ तो धान के पौधे जो है वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी अच्छी बारिश हो और हमारे खेतों में जो पानी की कमी है वो पूरा हो जाए। फिलहाल हम अपने खेत के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो खेत है दोस्तों इसमें अगर बारिश नहीं होता फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी इसमें बचा हुआ हमेशा रहता है। ये जो खेत है बहुत जल्दी सूखता नहीं है क्योंकि ये सबसे नीचे है ये खेत और थोड़ा सा भी बारिश होता है तो ऊपर का पानी सीधे नीचे आके चला जाता है। फिलहाल इसमें आप देख सकते हो ये पानी थोड़ा सा दिख रहा है लेकिन ये दो तीन दिन से ज्यादा ये पानी नहीं रुकेगा। अगर दो तीन दिन में बारिश नहीं हुआ तो ये खेत पूरी तरह से सूख जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम दवाई भरने के लिए इस खेत में यही पे पानी मिल जाएगा और आगे जो खेत मैं आपको बताऊंगा दोस्तों उसमें बहुत दूर दूर में पानी है तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत होगा। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं इसमें क्या रोग लगा हुआ है। ये देखिए ये धान का पौधा है और इसको हम लोग अपनी भाषा में चरपा रोग कहते हैं, इसको सीड ब्लाइट कहते हैं हिंदी में, शायद हिंदी या इंग्लिश में कहते हैं। ये देखिए इसका जो पौधा है यहाँ से नीचे से ये सड़ता है, ये देखिए इसके पत्तियां और पौधा पूरी तरह से सड़ जाता है और ये पौधा खराब हो जाता है, फिर इसमें दाने नहीं निकलते हैं। ये देखिए इसी तरह का रोग है पूरे खेतों में, ये देखिए कई जगह पे दिख रहा है आपको, तो ऐसा एक दो जगह हमें दिख रहा है लेकिन ये पूरे खेतों में है ये देखिए। और एक इसमें एक और है जो सफेद सफेद मक्खियां होती हैं, तना छेदक का वो कीट बन जाता है। तो दोस्तों मैंने स्प्रे स्टार्ट कर दिया है और आंखों में प्रोटेक्शन के लिए चश्मा लगा लिया है क्योंकि हवा से उड़कर आंखों में आता है और चेहरे पे आता है, इसलिए मैंने रुमाल मुंह को ढक लिया है और आंखों में चश्मा लगा लिया है। हवा काफी तेज चल रहा है दोस्तों, दवाई उड़ करके वापस चेहरे पे आ रहा है। इस कंडीशन में दवाई छिड़कना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दवाई जहाँ पर हम छिड़क रहे हैं वहां पर ना जाके कहीं और उड़ के चला जाता है, इसमें दवाई का लागत बहुत ज्यादा लगता है। खैर जैसा भी कंडीशन हो हम लोग किसान हैं दोस्तों, किसानों को अपना काम सही ढंग से करना आता है और करते भी हैं। यहाँ पर तितली उड़ रही है, सफेद जो मक्खी होता है वो आगे चलकर इनसे कई प्रकार के कीट उत्पन्न होते हैं तो इनकी रोकथाम इसी के साथ में हम कर देंगे कि क्योंकि इसमें सभी तरह की दवाई हमने मिक्स कर दिया है, खासकर ये जो चरपा रोग है इसका समाधान करना जरूरी है।
तो दोस्तों एक खेत में हमने स्प्रे कर दिया है, अब हम दूसरे खेत की ओर जा रहे हैं और देखते हैं वहां पे धान का क्या हाल है, कितना रोग लगा हुआ है और कितना पानी है क्या है। खैर उसमें भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वो नहर के किनारे ही है। ये देखिए आप देख रहे हो नहर चल रहा है, उसके किनारे ही है तो नहर से पानी हम ले आएंगे। और जो खेत है दोस्तों बीच में, वहां पर दिक्कत होगा, वहां का हाल आपको हम दिखाएंगे, कितना पानी है, धान कैसा है, रोग कैसा लगा हुआ है, कैसे स्प्रे करेंगे, देखते हैं। उसमें थोड़ा समस्या आएगा, दूर से पानी लाना पड़ेगा। तो अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और जो बीच वाले खेत में हम जाएंगे वहां पर जाते जाते थोड़ा टाइम लग जाएगा, आधा घंटा और लग जाएगा। उसके बाद देखते हैं, ज्यादा दूर में पानी होगा तो लाना पड़ेगा वहां से, और पास में पानी हो जाएगा तो अच्छी बात है। नहर तो बहुत ही शानदार दिख रहा है, खूबसूरत नहर में पानी भी मस्त है, लेकिन समस्या यही है कि ये हमारे गांव के लिए ये पानी उपयोगी नहीं है, यूजलेस है। हमारे गांव का ये साइड वाला हमारे गांव की जमीन है और दूसरी साइड में बहुत ही कम, मतलब 1% होगा जो दूसरी साइड हमारे गांव की खेत होगा। और यहां से पानी उस तरफ चढ़ाने में भी दिक्कत है क्योंकि वो खेत जो है वो काफी ऊंचाई पर है और नहर जो है वो निचला है। तो कुल मिलाकर इस नहर से हमारे गांव को बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं है। देखिए दोस्तों ये है हमारे गांव का खेतों का नजारा, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, लेकिन पानी का सख्त जरूरत है, खेतों में पानी सूखता जा रहा है, सूख ही गया है दोस्तों। ये देखिए हम लोग आ चुके हैं हमारे एक और खेत पे, और ये देखिए मेरे ऊपर ये क्या काट रहा है, ये देखिए दोस्तों लाल चींटी है ये। ये पेड़ों के पास बहुत चींटियां होता है, यहाँ पर देखिए ये पेड़ है, वहां से हम जैसे ही क्रॉस वे निकल रहे थे तो वो हमारे ऊपर गिर गया था, दो तीन चींटियां गिर गया था, काटा भी उसने मेरे को जबरदस्त। तो यहाँ भी पानी मिल गया हमको और इसमें भी वही रोग लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर पत्ते सड़ रहे हैं इसके। तो चलिए इस खेत को भी स्प्रे कर लेते हैं, उसके बाद मैं सीधा आपको उसी खेत में मिलता हूँ, आगे वाले खेत में। ये देखिए दोस्तों ये है ये खतरनाक लाल चींटियाँ, ये पेड़ों पर रहती हैं और ये गिर जाती हैं हवा के साथ किसी के ऊपर तो बहुत काटती हैं। ये देखिए कितना ऊपर चींटियाँ है और नीचे भी है, तो इनसे बच के हमें काम करना पड़ता है। मेरे ऊपर 3-4 गिर गई थी तो बहुत काटा उन्होंने। और आप तो दोस्तों ये जो खेत है ये आखिरी खेत है, सभी खेतों में दवाई का स्प्रे का काम पूरा हो गया है, ये लास्ट खेत है, थोड़ा सा बस बचा हुआ है। और इस खेत में दोस्तों पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो उधर का एक और खेत है दोस्तों, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था, उसमें जो मछलियां थी खेत में वो तड़प तड़प के मर चुकी हैं और बहुत सारी मछलियां तड़प रही हैं और बहुत सारी सड़ गई हैं वहां पर मर के, जो बदबू भी आ रहा है। तो पानी का सख्त जरूरत है हमें दोस्तों, अगर बारिश नहीं होता तो धानों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। उसको बिना पानी के क्या हाल हो गया है खेतों का। और देखिए खेत में ये देखिए यहाँ पर आपको मछलियाँ दिखाई दे रहा होगा जो तड़प रही हैं, ये देखिए बिना पानी के ये जो बड़ी बड़ी थोड़ी मछली हैं वो तड़प रही हैं, और जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं वो तो मर चुकी हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप। ये देखिए ये जो छोटी मछलियाँ हैं वो मर चुकी हैं, और इसमें देखिए इसमें थोड़ी बड़ी मछलियाँ हैं वो तड़प रही हैं। ये देखिए छोटी मछलियाँ यहाँ पर मरी पड़ी हुई हैं, बदबू आ रहा है यहाँ पर मछलियों जो मर रही है,
क्योंकि इसमें कुछ दिन पहले जो बारिश हुआ था, यानी बहुत दिन पहले बारिश हुआ था, उसी का पानी थोड़ा बचा हुआ था, उसी में जो मछलियाँ थी वो ज़िंदा थी। अब सभी मछलियाँ यहाँ की मर चुकी हैं। तो फाइनली दोस्तों आज का काम पूरा हो गया, स्प्रेइंग का आज का काम पूरा हो गया। अभी और बहुत सारे खेत हैं जिनमें स्प्रे करना पड़ेगा, लेकिन समस्या यह है कि उसमें पानी नहीं है, आसपास कहीं भी पानी है ही नहीं, बिल्कुल सूखा है, तो मुश्किल है दोस्तों स्प्रे करना। क्या करें, स्प्रे करना भी ज़रूरी है लेकिन पानी बिल्कुल नहीं है तो कैसे स्प्रे करेंगे। तो उनको अभी फिलहाल छोड़ दिया है, अगर बारिश जल्दी से हो जाता है और पानी आसपास उपलब्ध हो जाता है तो उनमें स्प्रे करेंगे। फिलहाल अभी हमारा काम पूरा हो गया, अब घर जाते हैं, नहा धो के फ्रेश होते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों हम नहा धोकर फ्रेश हो चुके हैं और रितिका और ईशा को लेने स्कूल आए हैं, उनका छुट्टी हो गया है और आज सावन महीने का आखिरी सोमवार है, इसलिए जगह जगह पर भोलेनाथ के भंडारे लगे हुए हैं, प्रसाद वितरण किया जा रहा है, तो बच्चे भी यहाँ प्रसाद खा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए भोलेनाथ का झांकी निकला हुआ है, महाकाल जी का झांकी निकला हुआ है, भक्त लोग पीछे पीछे आ रहे हैं कांवड़ लेके। और देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा कांवड़ बनाया गया है, देखिए बहुत लंबा है और इसमें जल भरकर लाए हैं और यहाँ का जो शिव मंदिर है उसमें ये ले जाकर अर्पित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भीड़ लग चुका है, ट्रैफिक जाम हो चुका है। और इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल पर आप नए या पुराने हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।